सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज अपने किचन में हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट। पापड़ी की रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चाट बनाने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम बना रहे हैं कुछ चटनियाँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ हरा धनिया पुदीने की चटनी। तो एक कप मैंने लिया है ये हरा धनिया, इसको मैंने धोकर काट लिया है। एक ही कप मैंने लिया है पुदीना, पुदीने को धो के मैंने इसके पत्ते अलग कर लिए हैं। उसके अलावा चार मैंने ली हैं हरी मिर्चें, चार ही लहसुन के जवे लिए हैं, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून नॉर्मल वाइट नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। तो सबसे पहले मिक्सी में डाल के हम ये सभी चीज़ें पीस लेते हैं। लहसुन, हरी मिर्च, नमक, भुना जीरे का पाउडर, अगर आप चाहें थोड़ी सी अदरक भी इसमें डाल सकते हैं, और ये सब चीज़ें मैं पीस लेती हूँ। चटनी हमारी तैयार हो गई है, अब हम बनाएंगे अपनी खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी हम बनाएंगे आमचूर से या फिर खटाई से, जो भी कहते हैं आप। तो इससे बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल इंस्टेंट बन जाती है और हमें कोई ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं होती। तो देख लेते हैं। तो 1/4 कप मैंने लिया है आमचूर पाउडर और 1 कप मैंने लिया है अच्छी क्वालिटी का गुड़। गुड़ की जगह अगर आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरे पास गुड़ था, मैं गुड़ ले रही हूँ। तो गुड़ को मैंने छुरी से बारीक काट लिया है। 1 कप इसमें जाएगा पानी, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर या लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून नॉर्मल वाइट नमक, 2 चुटकी मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है सॉल्ट का पाउडर या जिंजर पाउडर। पहले हमने एक स्टील का सॉस पैन लिया है, स्टील का ही लेना है क्योंकि खट्टी चीज़ के साथ हमेशा स्टील लेनी चाहिए, नॉनस्टिक ख़राब हो जाती है। और इसके अंदर मैं डालती हूँ ये 1 कप पानी और सभी मसाले, आमचूर पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, दोनों नमक, फूड कलर और सॉल्ट पाउडर, और एक विस्क की हेल्प से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो भी इसमें लम्स हैं वो निकल जाए। तो सभी चीज़ों को मैंने विस्क की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अपनी गैस को भी अब मैंने ऑन कर दिया है। तो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर ये गुड़। गुड़ को चाहें तो आप थोड़ी देर थोड़े से पानी में घोल के भी रख सकते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसको अब हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि सब चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो जाती और गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, ये देखिए आप। अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेते हैं जब तक कि चटनी हमारी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती, यानी गाढ़ी नहीं हो जाती। चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये रेडी हो गई है, ये देखिए थिक भी हो गई है ये, और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इस स्टेज पर आप इसका नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, जो चीज़ कम या ज़्यादा लगे एडजस्ट कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट, काजू या किशमिश या फिर मगज़ कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको आज सर्व करूँगी। तो अब मैं अपनी गैस को बंद कर रही हूँ। खट्टी मीठी चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये देखिए कितनी अच्छी थिक हो गई है। अब हम तैयार कर लेते हैं अपना दही। तो ये 250 ग्राम के करीब दही है, दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही होना चाहिए और एकदम ठंडा। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मैं विस्क कर लेती हूँ, बिल्कुल चिकना कर लेती हूँ। तो आइए अब हम अपनी पापड़ी चाट बनाने के लिए फाइनल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो दही हमारा तैयार है, ये हमारी पापड़ी है जो कि होममेड है, उसके अलावा ये है हमारी खट्टी मीठी चटनी, ये है हरा धनिया पुदीने की चटनी, और ये हमने लिए हैं उबले हुए छोले, उसके अलावा उबले हुए आलू लिए हैं, ये आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मसालों में मैंने लिया है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ये चाट मसाला। पहले हम एक प्लेट में अपने सभी पापड़ी को
सेट कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए अपनी पसंद के हिसाब से। अब डालेंगे इन पर हम दही, काफ़ी ज़्यादा सा दही डालेंगे जो कि हमने ठंडा फेंट के रखा हुआ है। डालेंगे इसमें अपने सभी मसाले अपनी पसंद के हिसाब से, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला डालेंगे। अब हम आलू, चने, चनों से भी जो हमारी चाट है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपनी खट्टी मीठी चटनी, ये मेरी फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मैं यही डालती हूँ। ग्रीन चटनी, और ऊपर से हम डालेंगे एक दो पापड़ी क्रश कर। और तैयार है हमारी पापड़ी चाट। कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, कितनी आसानी से बन गई है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।